ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जारी है। 12 से ज्यादा जेसीबी क्रेन लगाई गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद मौजूद हैं। साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच डिरेल हो गए। साजिश के तहत ट्रेन डिरेल की भी आशंका है। तो एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहां कार्य लगातार चल रहा है। 12 से ज्यादा जेसीबी और क्रेन लगाई गई है। ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य जारी है। कानपुर ट्रेन हादसे को लेकर ये अपडेट है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक दो यात्रियों को मामूली चोट आई थी। तो कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हो गई हैं ये जरा आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये जो रूट है ये बाधित है। तो आपको बताएं कि ट्रेनों में कई ऐसी ट्रेन है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। झांसी लखनऊ ट्रेन फिलहाल अभी रद्द है। कानपुर मानिकपुर जो ट्रेन है वो भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। और वाया झांसी टू लखनऊ जो भी ट्रेन जाती है वो फिलहाल अभी रद्द है, क्योंकि इसी ट्रैक से होकर गुजरती हैं। और ये वो ट्रेन है जो आपको बता रहे 01802, ये कानपुर से झांसी जाती है ये ट्रेन। और फिलहाल इस रूट पर ये ट्रेनें बाधित हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है जल्दी इस रूट को खोला जाए। हालांकि दूसरा ट्रैक भी है वहां पर, लेकिन एक दो ट्रेनें हैं जो फिलहाल बाधित हैं। लेकिन सभी यात्री इसमें सुरक्षित थे और सभी यात्रियों को कानपुर सेंट्रल ले जाया गया। वहां से नई ट्रेन व्यवस्था की गई है जिससे कि वो अपने घर जा सके, क्योंकि लंबे रूट की ये पूरी ट्रेन थी। अहमदाबाद जाने वाली रूट काफी लंबा था। प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रवीण, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या रूट को दुरुस्त किया जा रहा है और कितनी ऐसी ट्रेनें हैं जो बाधित हुई हैं? जी बेशक, जो कि एनडीआरएफ की टीम है, रेलवे के कर्मचारी हैं, ट्रैक को दुरुस्त करने काम का तस्वीर आपको हम दिखा देंगे किस तरीके से जो है रेलवे कर्मचारी हैं यहाँ पर ट्रेनों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। तमाम मशीनें भी आ चुकी हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी ट्रैक को यहाँ पर पूरी तरीके से चालू किया जा सके। ऐसे में दो ट्रैक हैं, एक ट्रैक को चालू, एक ट्रैक जो है उससे ट्रेनें गुजर रही हैं। फिलहाल ये दूसरा ट्रैक जो पूरी तरीके से बाधित है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो छोटे छोटे स्टेशन हैं कानपुर में, उन स्टेशनों पर लगभग एक दर्जन ट्रेनें जो है वो रुकी हैं, क्योंकि एक ही ट्रैक चल रहा है। ऐसे में लॉन्ग रूट की ट्रेनों को ही सिर्फ निकाला जा रहा है, जो लोकल की ट्रेनें हैं उनको रोका जा रहा है, आसपास की ट्रेनों को रोका जा रहा है। तो ट्रेन दुरुस्त करने का काम जो है वो बिल्कुल तेजी से चल रहा है। और एक बार देखिए, कैंप लगा के यहाँ पर पूरी तरीके से कैंप लगाकर रेलवे के कर्मचारी जो है वो काम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी जल्दी से जल्दी ट्रैक को चालू किया जा सके ताकि ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाए और ट्रैक को खाली किया जाए। फिलहाल जो घटना हुई है उसके बाद में यात्रियों को तो खैर यहाँ से कानपुर सेंट्रल से प्रवीण, वैसे तो बताया जा रहा था, जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे थे कि जितने यात्री हैं वो कानपुर सेंट्रल में हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया साइट एक्स पर कि जो यात्री हैं वो खुद ही वहां से अपने आप अपना सामान लेकर जाते हुए नजर आए हैं, इस बात पे कितनी सच्चाई है? जी बेहतर, शुरुआत में तो रात में चूंकि प्रशासनिक अफसर आए थे और लोकल की कुछ बसें लगाई गई थी, फिलहाल तमाम यात्री जो कि ट्रेन में बता रहे कि 1200 यात्री थे, ऐसे में एक साथ सभी यात्रियों को बस में ले जाना मुमकिन नहीं हो सका है। बसें आई हैं और बसें में 30 से 40 सवारियां बैठ सकती हैं। उसके बाद यात्री चूंकि भगदड़, ऐसा लोगों को एहसास हुआ कि बड़ा हादसा होने से टला है, तो अपनी जान बचाने के लिए चूंकि जंगल का आउटर का क्षेत्र पड़ता है और रोड पर पहुँचने के लिए लिंक रोड पर थोड़ा सा कुछ नाले वाले बीच में बने हैं, उनको क्रॉस करने का भी जद्दोजहद उठानी पड़ती है। ऐसे में यात्रियों में भगदड़ मची और वो अपने संसाधन से ही आसपास से लोकल के इलाकों से पूछ के भगे, क्योंकि बनारस से अहमदाबाद ट्रेन जा रही थी। ऐसे में जो भी यात्री होंगे वो लॉन्ग रूट वाले होंगे। ठीक है प्रवीण, आप बने रहे हैं क्योंकि लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो अपडेट ये भी बता दें आपको कि रेल हादसे से जुड़ी खबर ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट किया है, आज सुबह 2:35 पर हादसा हुआ, ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से हुई है टक्कर, तीव्र प्रहार के निशान देखे गए हैं। आईबी यूपी पुलिस कर रही है जांच, कोई भी यात्री हादसे में घायल नहीं है, सभी सुरक्षित हैं, दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खबर दी है, पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है पूरे हादसे की, ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराने की वजह से ये ट्रेन डिरेल हुई है, निशान भी देखे गए हैं। हालांकि आईबी और यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही है, ये एक साजिश भी हो सकती है इसकी भी आशंका जताई जा रही है, इसलिए अभी फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और इन यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई है।
प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, क्या लगता है किसी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो रेल मंत्री ने ट्वीट किया है उससे कुछ ऐसा ही अंदेशा लग रहा है। जी बेशक, चूंकि इलाका बड़ा सुनसान का इलाका पड़ता है, आसपास में टोटल जंगल है और कोई भी यहाँ पर रहता नहीं, ऐसे में ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि हादसे में कहीं ना कहीं साजिशकर्ता की हाथ रही है। चूंकि 1.5 से 2 मीटर का रेलवे का ट्रैक है, जिसको इसकी बात सामने आ रही है कि उस ट्रैक को पटरी पर रख दिया गया था, जिसके बाद में चूंकि पटरी का जो रेलवे ट्रेन है वो डिसबैलेंस हुई है और उसके बाद में जो आसपास के पत्थर हैं वो गाड़ियों में टकराने शुरू हो गए। ड्राइवर चालक को चूंकि ऐसे हादसा होना प्रतीत हुआ तो उसने अचानक चूंकि ब्रेक लगाई। अभी एक क्लीनर से हमारी बात हुई जो रात में जग रहा था उस समय, अभी उसका वीडियो भी मैं भेजूंगा। फिलहाल उनसे बात हुई, उसने प्रदीप नाम है उसका, उसने बताया कि अचानक ट्रेन की बोगियों में पत्थरों की आवाज आने लगी, जिसके बाद में चालक ने अचानक ब्रेक लगाई। ब्रेक लगने से चूंकि 90 से 95 की स्पीड से ट्रेन थी, ऐसे में बोगियां पीछे आपस में टकराई हैं और ट्रेन वो डिरेल हो गई है। 22 कोच जो है वो पटरियों से उतरे, ऐसी बात सामने आ रही। और सबसे बड़ी बात है कि टकराने के बाद ट्रेन कम से कम 300 मीटर आगे बढ़ते चली आई है और जितने पीछे के डिब्बे थे वो लगातार पटरी से नीचे उतरते चले गए हैं। और ट्रेन के बाद भी जो ट्रैक था पीछे का ट्रैक, वहां भी पटरी पूरी तरीके से पलट गई है। ट्रेन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो टूट गए। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, तमाम जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही है ट्रेन ट्रैक को दुरुस्त करने का। ऐसे में देखिए नीचे की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर ट्रेन का नीचे ये आगे देखिए इंजन का हिस्सा आगे का है और देखिए पूरी तरीके से ये टेढ़ा हो गया है। ठीक है प्रवीण, जरा बने रहे हमारे साथ, एक बार दर्शकों को जानकारी दे दें क्योंकि जो दर्शक और जो यात्री इस रूट से गुजर रहे हैं वो जरा जानकारी ले लें। ये रूट फिलहाल बाधित है, उसे खोलने की कोशिश की जा रही। गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल ये ट्रेन अभी बाधित है। लखनऊ जंक्शन नवाया झांसी जो जाती है ट्रेन ये भी फिलहाल बाधित है। गोरखपुर और से जो ट्रेन चलती है वो भी फिलहाल अभी बाधित है।